हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, जीआईएस स्टैंड फॉर। जीआईएस का फुल फॉर्म क्या है? ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ज्योग्राफिक इंटरनल सिस्टम या ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम या नन ऑफ द अबव। सो जीआईएस स्टैंड फॉर ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। देन क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जीआईएस कैप्चर्स एंड एनालाइज। जो जीआईएस है वो क्या कैप्चर और एनालाइज करता है? स्पैटियल, ज्योग्राफिक, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो जीआईएस एंड एनालाइज बोथ स्पैटियल एंड ज्योग्राफिक डाटा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर थ्री, जीआईएस एप्लीकेशंस आर। जो जीआईएस के एप्लीकेशन होते हैं वो कैसे होते हैं? मोबाइल टूल्स होते हैं, कंप्यूटर टूल्स होते हैं, मशीनरी टूल्स होते हैं या नन ऑफ द अबव। सो जीआईएस एप्लीकेशन आर कंप्यूटर बेस्ड टूल्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा करेक्ट, जीआईएस एप्लीकेशंस आर कंप्यूटर बेस्ड टूल। देन क्वेश्चन नंबर फोर, जी आई एस टूल्स अलाउज द यूजर टू परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क। जो जी आई एस टूल है, जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कौन कौन से टूल्स यूजर को प्रोवाइड करती है, ठीक है, परफॉर्म करने के लिए? क्रिएट सर्च, सर्च करने के लिए, डाटा को स्टोर करना, एडिट करना या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जी आई एस टूल्स हैं, उसमें हम लोग कुछ सर्च को क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कुछ सर्च करना है तो कर सकते हैं, डाटा को भी स्टोर करता है, डाटा को एडिट भी करता है। मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, all of the above. Then question number 5, which of the following is a branch of study of GIS concept? इनमें से कौन सा है जो कि एक ब्रांच है GIS concept पे study करने का? Geographic information science, geographic data या none of the above. तो इनमें से कौन सा? Geographic information science, ठीक है, is a branch of study of GIS concept. तो option number A क्या हो जाएगा करेक्ट, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन साइंस एक ब्रांच है जहाँ लोग जी आई एस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, जी आई एस रिप्रेजेंट्स अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑफ लोकेशन यूजिंग। जो जी आई एस है, अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन किसी लोकेशन को कैसे वो करता है? की इंडेक्स, की इंडेक्स वेरिएबल, की या नन ऑफ द अबव। तो की इंडेक्स वेरिएबल ऑप्शन क्या हो जाएगा, की इंडेक्स वेरिएबल। जी आई एस रिप्रेजेंट अनरिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ लोकेशन यूजिंग की इंडेक्स वेरिएबल को किसी भी अननोन जो लोकेशन का इन्फॉर्मेशन उसको रिप्रेजेंट करता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, जी आई एस रिप्रेजेंट्स अ लोकेशन इन डायमेंशनल कोऑर्डिनेट। ठीक है, कितने डायमेंशनल में? 2 डायमेंशनल में, 3 डायमेंशनल में या 4 डायमेंशनल में या 5 डायमेंशनल में? ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 डायमेंशनल। ठीक है, 3D में, 3D में तीनों में करता है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। ठीक है, तीनों में। देन जी आई एस एक्स कोऑर्डिनेट इन, ठीक, जो एक टेंजेंटियल होता है उसे कहते हैं जेड में। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, जी आई एस रिप्रेजेंट एक्स कोऑर्डिनेट इन डैश डायरेक्शन। जो जी आई एस है, एक्स कोऑर्डिनेट को किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है? हॉरिजेंटल में, वर्टिकल में, टेंजेंटली या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो ऑप्शन ऊपर था, जी आई एस लोकेशन में, थ्री डायमेंशनल में, तो पहला हॉरिजेंटल, वर्टिकल और टेंजेंटली। ठीक है, इन्हीं तीनों में रिप्रेजेंट करना है, 3 कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट किस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? हॉरिजेंटल। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स। ठीक है, तो जी आई एस रिप्रेजेंट्स एक्स कोऑर्डिनेट इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ऐसे। ठीक है, ये हॉरिजेंटल लाइंस हो गई, इसे रिप्रेजेंट करते, जिसे हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड्स। देन जी आई एस रिप्रेजेंट्स वाई कोऑर्डिनेट इन डैश डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वर्टिकल। ठीक है, जिसे हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, अपराइट डायरेक्शन में। ठीक है, अप डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा हमारा? वाई कोऑर्डिनेट, जैसे जिस वाई होता है, वाई एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा वर्टिकली। देन जी आई एस रिप्रेजेंट जेड कोऑर्डिनेट इन डैश डायरेक्शन। जेड कोऑर्डिनेट कौन से डायरेक्शन? तो टेंजेंटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? टेंजेंटली। जी आई एस रिप्रेजेंट जेड कोऑर्डिनेट इन टेंजेंटली, टेंजेंट डायरेक्शन। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स यूजिंग जी आई एस आर को रिलेटेड टू रिप्रेजेंट एन अर्थ फिजिकल लोकेशन। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो जी आई एस रिलेट करके अर्थ के फिजिकल लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? लोकेशन, स्पैटियल, टेम्पोरल, एक्सटेंट रेफरेंस या ऑल ऑफ द अबव।
ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द, तीनों का यूज़ करके वो किसी भी पार्टिकुलर का जो लोकेशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। देन जी आई एस वॉज क्वाइंड बाई, जो टर्म जी आई एस है जो, ठीक है, वो किसके, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जी आई एस किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, तो याद रखना, रॉजर टॉमिल्सन, रॉजर जेम्स रिचर्ड या नॉन ऑफ द अबव, किसके द्वारा क्वाइन किया गया था, रॉजर टॉमिल्सन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, रॉजर। देन क्वेश्चन नंबर 13, जी आई एस वॉज क्वाइंड इन द ईयर, जो जी आई एस है वो किस ईयर में क्वाइन किया गया, 1986, 1968, 1982 या 1990s। तो जी आई एस वॉज क्वाइंड इन ईयर 1968, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। द साइंटिस्ट रॉजर टॉमिल्सन वॉज क्वाइंड जी आई एस एंड वॉज गिवेन टर्टिल, ठीक है, टर्टिल कौन दिया, फादर ऑफ जी आई एस कौन है, जो रॉगर हैं, ठीक है, रॉजर हैं, ये क्या है, फादर ऑफ जी आई एस हैं या फादर ऑफ ग्लोब हैं, डायरेक्टरेट हैं या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ही इज नोन एज फादर ऑफ जी आई एस, ठीक है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम की ये फादर हैं, रॉजर टॉमिल्सन। देन क्वेश्चन नंबर 15, द साइंटिस्ट रॉजर टॉमिल्सन फर्स्टली इंप्लीमेंटेड जी आई एस वर्क ऑन डैश जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, सबसे पहले इन्होंने कहाँ पर इसका यूज़ किया था, कैनेडा में किया था, यूएसए में, इंडिया में या चाइना में, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने किया था कैनेडा में, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट, इन्होंने जी आई एस का यूज सबसे पहले कहाँ पर किया था, कैनेडा में। देन क्वेश्चन नंबर 16, साइंटिस्ट रॉजर टॉमिल्सन क्रिएटेड डैश फॉर एनालाइजिंग एंड स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाटाबेस, इन्होंने क्या क्रिएट किया ताकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटाबेस है वो उसको एक जगह पर स्टोर किया जा सके, डाटाबेस, एसडी कार्ड, पेन ड्राइव या कंप्यूटर को क्रिएट किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, डाटाबेस, ठीक है, इन्होंने वो डाटाबेस को क्या किया, क्रिएट किया ताकि जो इंफॉर्मेशन है उसको एक जगह पर स्टोर किया जा सके। देन क्वेश्चन नंबर 17, मॉडर्न जी आई एस टेक्नोलॉजी यूजेस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मॉडर्न है वो किस प्रकार के इंफॉर्मेशन को यूज करती, एनालॉग, डिजिटल, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो ये डिजिटल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को यूज करती, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। डिजिटल डाटा इन जी आई एस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डाटा क्रिएशन मैथड, ठीक है, किस मैथड का यूज करके डिजिटल डाटा रिप्रेजेंट करती है, एनालॉग, डिजिटल, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो डिजिटल डाटा का यूज करेगी, ठीक है, डिजिटल डाटा इन जी आई एस इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग डिजिटल डाटा क्रिएशन मैथड, ठीक है, डिजिटल डाटा कैसे, वो डिजिटल डाटा मैथड के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजिटल डाटा क्रिएशन मैथड यूज फॉर जी आई एस डाटा क्रिएशन, ठीक है, डिजिटाइजेशन, ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी या डीमॉडुलेशन या बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन क्या हो जाएगा, डिजिटाइजेशन, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिजिटल डाटा क्रिएशन मेथड, तो क्या है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, डिजिटाइजेशन, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 20, द प्रोसेस वेयर अ सर्वे और प्लान और हार्ड कॉपी इज मैप एंड इज रिप्रेजेंटेड डिजिटल मीडियम यूजिंग जियो रेफरेंसिंग कैपेबिलिटीज एंड सी ए डी टूल्स इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, डिजिटाइजेशन टेक्निक, मॉडुलेशन, डीमॉडुलेशन या नॉन ऑफ द अबव, तो क्या कहेंगे, डिजिटाइजेशन टेक्निक, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोग्राम यूज इन डिजिटाइजेशन टेक्निक इज, कौन सा, किस प्रोग्राम को हम लोग यूज करते हैं, सी ए डी, जी पी एस, सी या जावा, ठीक है, तो किसका हम लोग यूज करते हैं, सी ए डी, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। सी ए डी प्रोग्राम का हम लोग डिजिटाइजेशन में यूज करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। देन सी ए डी इन सी ए डी टूल्स स्टैंड फॉर, सी ए डी में सी ए डी टूल्स का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर, तो ऑप्शन अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि फुल मीन्स यहाँ सबसे फुल फॉर्म पूछा है, तो क्या हो जाएगा, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन नंबर क्या हो, कौन सा हो जाएगा, ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सी ए डी का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सी ए डी इज ऑल्सो नेम्ड एज, सी ए डी को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं, ठीक है, सी ए डी डी, सी ए डी बी, सी सी ए डी या नन ऑफ द अबव,
तो इसको हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, CADD मीन्स कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग। देन CADD इज एब्रीविएटेड एज, जो CADD है उसको दूसरे किस फॉर्म में हम लोग एब्रीविएट करते हैं। ठीक है, तो अभी ऊपर हमने पढ़ा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन ड्राफ्टिंग, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 25, अ CAD टूल्स ग्राफिकली रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन इन डैश डायमेंशन, कितने डायमेंशन में रिप्रेजेंट करता है, 2D में, 3D में, या बोथ में करता है, या नन ऑफ द अबव। तो जो CAD टूल्स होता है वो हमारा ग्राफिकली 2D में भी करता है और 3D में भी करता है। ठीक है, मीन्स एक्स और वाई, एक्स वाई या जेड में, तीनों में ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर CAD प्रोग्राम, इनमें से कौन है जो एक CAD प्रोग्राम है, ऑटो CAD, ऑटो CADLT और या बोथ ANB या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑटो CAD एंड ऑटो CADLT तीनों हमारे क्या हैं, सॉरी दोनों क्या हैं, CAD प्रोग्राम है। तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ ANB इज करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 27, द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग सैटेलाइट इमेज इज कॉल्ड, ठीक है, सैटेलाइट इमेज को कैप्चर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑर्थोफोटो, ऑर्थोफोटोग्राफ, ऑर्थो इमेज या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसे कहते हैं ऑर्थोफोटो भी कहते हैं, ऑर्थो फोटोग्राफ और ऑर्थो इमेज तीनों कहते हैं। ठीक है, अगर आप सैटेलाइट के द्वारा इमेज को कैप्चर करें तो उस प्रोसेस को कहते हैं ऑर्थोफोटो, ऑर्थोफोटोग्राफ, ऑर्थो इमेज, मीन्स ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 28, ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज नी कलेक्ट डाटा फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस में डाटा कलेक्ट करता है, UAV, हेलीकाइट्स, एयरक्राफ्ट्स या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेज कलेक्ट डाटा फ्रॉम UAV, हेलीकाइट्स, एयरक्राफ्ट, मीन्स ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। UAV स्टैंड फॉर, जो UAV का AV का फुल फॉर्म क्या है, अननेम्ड एरियल व्हीकल, यूनि एरियल व्हीकल, अननेम्ड एयर व्हीकल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, अननेम्ड एरियल व्हीकल, ऑप्शन नंबर ए, UAV स्टैंड फॉर अननेम्ड एरियल व्हीकल। देन क्वेश्चन नंबर 30, डज UAV हैव अ पायलट और ड्राइवर, क्या UAV के पास पायलट होता है या ड्राइवर होता है, यस, नो, मे बी, हो सकता है या होता है या नहीं होता, ऑप्शन नंबर क्या होता है, नो। ठीक है, ये ऑटो होता है, ठीक है, ऑटो पायलट रहता है इसमें, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, नो। देन क्वेश्चन नंबर 31, UAV हैज नंबर ऑफ मेजर कंपोनेंट, कितने नंबर ऑफ मेजर कंपोनेंट UAV में होते हैं, 2, 3, 4 या 5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इट हैज 3 मेन कंपोनेंट, कौन कौन से, ग्राउंड बेस्ड कंट्रोलर होता है, एक UAV होता है और एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है, तो 3 इसमें मेजर कंपोनेंट होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 32, एन एयरक्राफ्ट फ्लाइज यूजिंग डैश सपोर्ट, जो एयरक्राफ्ट है किसका सपोर्ट लेकर फ्लाई करती है, जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, एयरक्राफ्ट एयर का सपोर्ट लेकर फ्लाई करती है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, इनमें से कौन है जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल है, मून, स्टार, प्लैनेट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें कौन है जो नेचुरल सैटेलाइट है, स्टार, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 34, डिजिटाइजिंग ऑफ डैश टाइप, जो डिजिटाइजिंग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, 2, 3, 4 या 5, तो ये कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है हेड लो डिजिटाइजिंग और एक डिजिटाइजेशन, एक होता है हेड अप डिजिटाइजेशन, तो 2 प्रकार के, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट। हेड अप डिजिटाइजेशन ट्रेसेस ज्योग्राफिकल डैश वे ऑन टॉप ऑफ द एरियल इमेजिंग, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, सेपरेटली या नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली, हेड अप डिजिटाइजेशन ट्रेसेस ज्योग्राफिकल डाटा डायरेक्टली वे ऑन द टॉप ऑफ एरियल इमेजिंग, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।